और रूल नंबर 3 बोलता है, नेवर एवर प्ले विद फैमिली मेंबर ईगो एंड मनी. कभी भी, हेलो, सबसे पहली चीज कैरेक्टर के बारे में बोला है. अगर बड़ा काम करना है तो ये स्ट्रांग रहना चाहिए. मैं इतने साल से ग्रेट महागुरु जी के साथ काम कर रहा हूं, 20 साल में आज तक मैंने कभी ग्रेट महागुरु जी के मोबाइल में ऐसा कोई मैसेज नहीं देखा, ऐसा कभी मैंने सुना नहीं कि हम लोग खूब लंबे सफर में भी रहते हैं, साथ में बड़ी बड़ी ट्रिप में रहते हैं. महागुरु जी कितनी बड़ी टीम है. महागुरु जी बोलते हैं कि मैं यंग एज में, महागुरु जी भी तो यंग एज में डायमंड बने, तो गुरु जी को भी देखा मैसेज वैसेज आता होगा. आई वॉन्ट फ्रेंडशिप विद यू, नहीं आता होगा क्या? स्मार्ट भी है गुरु जी, खूब दमदार एकदम है. हेलो, आज तक का रिकॉर्ड है. और कोई बता नहीं सकता कि मेरी टीम में कोई भी लड़की, कोई लेडीज, किसी के साथ में भी महागुरु जी ने आज तक कभी बातचीत किया हो. महागुरु जी विजयपाल सर, महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल सर, और मैं खुद यहाँ खड़ा हूँ. कोई भी अपनी डाउनलाइन में ये बता दे, सर मेरी टीम की फलान लड़की के साथ में आपने वहाँ बातचीत किया, कभी भी अकेले में काउंसलिंग किया, अलाउड ही नहीं है. महागुरु जी ने बोला, मैंने जिस दिन गाड़ी ली, मेरी फ्रंट सीट पे मेरी माता जी और मेरी वाइफ के अलावा कोई तीसरी महिला बैठ नहीं सकती. आज तक ऐसा नहीं है, हमारी टीम में महिलाएं काम नहीं कर रही, उनके लिए हमारी जान हाजिर है और बिल्कुल पूरी दमदारी के साथ उनको सफल बना रहे हैं, काम करते हैं उनके साथ बिल्कुल दमदारी के साथ. लेकिन एक लिमिट, जहां एक लिमिट बनी है उस लिमिट से आगे नहीं. वो लिमिट हमेशा ध्यान रहनी चाहिए. हमें कभी भी बिजनेस में ये ध्यान रखना है, हम बिजनेस के लिए प्राउड बने, शर्म की बात नहीं बने. हमारी वजह से कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए. और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहां इतना रिस्पेक्ट मिलता है. मैं इतनी कम एज में था, लोग मेरे को अपने घर में अलाउ करते थे, और मैं ये जानता था कि अगर मैंने कभी भी जिंदगी में कोई भी ऐसी हरकत करी तो यही डुप्लीकेशन होगा. और आज इसीलिए मैं कितने भी लाख लोगों के मंच से भी ये बात कह सकता हूँ. तो इसके लिए हम लोगों को ये मेंटेन करना पड़ेगा. कितने लोग बोलते हैं कैरेक्टर से बिल्कुल एकदम. और अगर किसी का किसी से चल रहा है लीगली, कोई भाई किसी को है कोई पसंद, तो ऑन दो फिर मंगलम मंगलम, फेरे वेरे डालो, हमें भी रसगुल्ला मिले. पहला लटका के रखना, एक जगह पहले से मैरिड है, दूसरा पार्ट टाइम में अलग से कहीं लटका के रखा है, तीसरे को भी मैसेज कर रहा है, तू तो गया, ठाकुर तो गयो. ऐसे लोग कभी सफल हो ही नहीं सकते. चरित्र से एकदम ISO सर्टिफाइड बनना पड़ेगा. बना सकते हैं अपने आप को. और चीजें आएंगी जब आपके पास सफलता आती है. तो ग्रेट महागुरु जी ने हमेशा बोला, मैंने बोला गुरु जी, मैंने कहा ये बंदे को देखो, इसके तो बाल सफेद है फिर भी इलू इलू करता है. तो गुरु जी बोले, बालों का और सफेद का होने का कोई कनेक्शन नहीं, जिनके बाल नहीं है वो भी इलू इलू कर लेते हैं. क्या करोगे इसकी, रुक बंद कर करोगे. हाँ जी, और कई तो जो कमिटमेंट लेते हैं वो खुद ही कर देते हैं. एक बंदा तो मीटिंग में आया और कमिटमेंट ले रहा, बैंक मशीन में तो नहीं घुसोगे, गलती से भी इलू इलू तो नहीं करोगे. 3-4 दिन बाद पता चला गुरुजी वो बंदा गायब हो गया. मैं गायब हो गया, और बताया उसके बारे में ऐसे ऐसे, गुरुजी उसकी ना बाइक चंबल में मिली है. तो मैंने पक्का उसको तो किडनेपिंग हो गई उसकी, और उसका भाई पुलिस में, और पूरा SP के यहाँ बता दिया. पूरा 2-3 मतलब वो टीमें बनी उसको ढूंढ रही हैं लगातार, कहाँ गया कहाँ गया. और कुछ एक महीने पहले बेटी की शादी करके गया है, उसकी वाइफ रो रही है, बेटी रो रही है, बेटा रो रहा है, पापा कहाँ गए, पापा कहाँ गए, हमारे पापा ला दो. और पापा मिला MP में टीम की एक लड़की के संग, और वहाँ अलग नदिया के पार, कौन दिशा में लेके चले रहे बटुरिया, मैं और गुंजा. कई लोग बोलते मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो. और जो साले जितने ये डायलॉग बोलने वाले तो सारे गायब हो गए. अगर ये सफलता ऐसे ही होती
किसी भी करेक्टरलेस बंदे को और किसी भी छुछोरे बंदे को मिल जाती तो ग्रेट महागुरु जी जैसे संतों की आवश्यकता नहीं थी, इस दुनिया से सत्यता खत्म ही हो जाती। इस बिजनेस में अगर सफल होना है तो पूरी पवित्रता के साथ, पूरे आपको ईमानदारी के साथ और एकदम स्ट्रांग कैरेक्टर के साथ जब आप रहोगे तो ही आपके पास सफलता आने वाली है। अगर गलती से आ भी गई है तो छोटी सी मोटी आ भी सकती है तो बड़े से दरवाजे से निकल भी जाएगी, ध्यान रखना, परमानेंट नहीं रह सकती। तो इसलिए बोलते हैं चरित्र को बढ़िया रखना है, दारू दूरू नहीं पीना। ये भी मैं बता रहा हूँ, जितने दारू मास्टर थे उनकी सबकी टीम टूटी। पहले हम देखते थे, हम लोग तो गुरुजी हमें तो सुपारी भी नहीं खाने देते और ये देखो पैग लड़ा रहे हैं और इनका टारगेट भी हो रहे हैं। गुरुजी से पूछते थे, बताओ गुरुजी इनका काम इतना तगड़ा कैसे चला, बोतल के टारगेट देते थे, दो टारगेट कराएगा तीन बोतल तोरे को मेरी तरफ से फ्री, और हमसे ले लेते थे वो। जैसे कंपनी की कोई मीटिंग हो रही है, कंपनी क्या करती, कूपन देती थी, जिसको भी बोतल बियर लेनी है, कोल्ड ड्रिंक लेनी, कुछ भी ले सकता है। तो हमसे बोलते कोल्ड ड्रिंक तू मेरे से ले लेना, बियर वाला कूपन मुझे दे। हमें तो बियर पीनी नहीं थी, तो ले जाते थे बियर के पूरे कार्टून इकट्ठे कर लेते थे, पीते थे। मैं यार क्या है साला, ये इन लोगों को चल कैसे जाता। मैं गुरुजी को बार बार पूछा, गुरुजी इनका रुक क्यों नहीं रहा, हम यहाँ पे इतने सारा, बोले नॉनवेज नहीं खाना, लड़की नहीं पटाना, दारू नहीं पीना, मार दो फिर हमें तो कुछ नहीं, बोले फिर भी काम नहीं चल रहा। और ये साला सब कर रहे हैं, दो शादी कर रखी है इस बंदे ने, गुरुजी तो मैं जानता हूँ इसको, दो शादी कर रखी है, दारू भी पीता है ये, इसका काम कैसे चल रहा। गुरुजी बोलते रुक जाओ, वक्त का इंतजार करो। साले को लात पड़ी पीछे जाए, गायब गायब हो गया, उसका कहीं नाम नहीं है। आज जिधर भी देखो हम ही लोगों का जलवा है। हेलो, कई लोग मोबाइल रखते हैं, पासवर्ड ऐसा छुपा के रखेंगे, बच्चे भी ना देख ले, बीवी भी ना देख ले। मेरे साला घर में काम वाली भाई को भी मेरा पासवर्ड मालूम होगा, खुल्लम खुल्ला रहता है, कुछ भी देख ले। कोई साला ऐसा मैसेज आता ही नहीं है, कोई लफड़ा लोचा है ही नहीं। कोई एक एक कोई लड़की थी वो पीछे पड़ गई मेरे, अब मैं क्या करूं, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अब मैंने उसको बोला, एक आध बार मैंने ब्लॉक भी मार दिया उसको, दो तीन नंबरों से उसके मैसेज आ रहे, मैं तो आपके नाम का धागा बांधने जा रही हूँ, ये करने जा। मैंने कहा इसको तो समझाना पड़ेगा हिंदी में, आप सोच नहीं सकते। मैंने सीधा मैडम को नंबर मैसेज किया, मैंने कहा ये महिला है मेरे को परेशान करे, देवी प्रकट हो जाओ। और मैडम ने ऐसी शक्ति छोड़ी, आज तक उसने मोबाइल अपने हाथ में नहीं लिया होगा। जाटनी है तेजी एकदम। कैरेक्टर सही रखना भाई, हो जाएगा, बड़ा काम हो जाएगा। और खास बात यह है, देखो मौका ना मिले तब तक तो सब ईमानदार हैं। ईमानदारी कब चेक होती है, जब मोबाइल में मैसेज है आई वांट लिखा है, उसके बाद फिर ब्लॉक करके दिखाओ तो दरिया दिली है, तब माने तुम वीर बहादुर हो। हैं? हाँ जी,